अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए स्पेशल मटन कौरमा बनाने लगा हूँ, वो आपको बना कर दिखाता हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1.5 कप ऑयल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। लें जी, माशाल्लाह जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और अभी दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं, इनको हमने इस तरीके से काट लिया अलहदा अलहदा। अभी इनको डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, माशाल्लाह जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। और अभी हम इसके साथ में एक मोटी इलायची, एक बादयान का फूल, 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ, 3-4 लौंग है, एक तेज़पात है, एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये शामिल कर दिया, इसको 2 मिनट तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। नहीं जी, अभी इसके साथ में हम मटन डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो हमारा मटन है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। नहीं जी, हम इसको 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। 6 से 7 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। नहीं जी, माशाल्लाह जी, देख सकते हैं कलर माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत हो चुका है, फ्राई हो चुका है हमारा गोश्त। और अभी हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये शामिल कर दिया, इसको हम 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल दूर हो जाए। ये 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर 2 टमाटरों का पेस्ट शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ में 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक मिर्च डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी जितनी बुनाई करेंगे उतना ही आपका मज़ेदार कौरमा बनेगा। जितने आप अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा। नहीं जी, माशाल्लाह जी, हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, 1.5 गिलास हमने पानी डाल दिया है। जी, अभी हम प्रेशर लगा के 10 मिनट तक के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, माशाल्लाह जी, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अभी हम इसके अंदर डालने लगे हैं 1 टीस्पून कौरमा मसाला। यह हमने घर में बनाया था, उसकी वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून सूखा धनिया। बिस्मिल। एक चम्मच गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटकी काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भून लेंगे और साथ में 3 सब्ज़ मिर्ची हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने मीडियम स्लो फ्लेम पे इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। माशाल्लाह जी, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर 1 प्याली दही डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। नहीं जी, अभी हम दही का पानी खुश कर लेंगे।
माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इंजॉय करें। लें जी माशाल्लाह जी, दही का पानी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कौरमा बना, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी। देखें जी, आप लोगों ने भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना है। बहुत ही ये ज़बरदस्त बना है, खुशबू भी माशाल्लाह जी बहुत ही आला खुशबू है। लें जी माशाल्लाह जी, फाइनल हमारा मटन कौरमा तैयार हो चुका है। अभी हम पैन को बंद कर देंगे। ले जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, फाइनल हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। नहीं जी, अभी दादो माँ भी हमें टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा कौरमा मैंने बनाया है। लें जी, अभी दादो माँ चेक करने लगी हैं। बड़ा वधिया गा गया। लें जी माशाल्लाह जी, दादी माँ जी अच्छे तरीके से गाल चुका है। बड़ा वधिया। लें जी माशाल्लाह जी, देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा गोश्त गाल चुका है। दादी माँ जी टेस्टी है। बड़ा वधिया, बहुत अच्छा बना। लें जी माशाल्लाह जी, दादो माँ को तो बहुत ही पसंद आ चुका है। आप लोगों ने भी हमें मैसेज करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा है। देख सकते हैं दादो माँ भी खा रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाल चुका है। तंदूरी की रोटी भी होवे, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है जी, आप इसको रोटी के साथ भी खाएं, चावलों पे भी डाल के खाएं, बहुत ही माशाल्लाह जी आपको मज़ा आएगा। तो जिन्हें दंद नहीं उन्होंने तो अगे ही मज़ा आता है। बिल्कुल जी, बुजुर्ग बंदे भी ये आराम से खा सकते हैं। देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से गाल चुका है। बहुत मज़ेदार, मेरे पुत्रों से गो सपोर्ट करो, बड़ी सपोर्ट की बड़ी जरूरत है, बड़ी लोड़ है, जिन्नी हो सकती जो नहीं करो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।